चाबी डाल दी स्कूटी की डिक्की में और आज मेरी स्कूटी का फिर से एक्सीडेंट हो गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक, स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम दोपहर के 4 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी का पोल्यूशन कराने, क्योंकि इसका पोल्यूशन खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से आज या कल हो जाएगा, तो इसलिए फटाफट पोल्यूशन करवा लेते हैं पहले। और आज मेरी स्कूटी का फिर से एक्सीडेंट हो गया, मतलब वैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो घर के आसपास मैं चला रहा था स्कूटी, तो मेरे आगे कोई स्प्लेंडर पे चल रहा था, उसने एकदम से अपनी स्प्लेंडर मोड़ दी बिना इंडिकेटर दिए। तो मैंने तो अपनी स्कूटी रोक ली, पर जो मेरे पीछे आ रहा था वो अपनी बाइक रोक ही नहीं पाया और उसने मेरी स्कूटी में अपनी बाइक ठोक दी, तो पीछे की साइड स्क्रैच पड़ गए हैं। जो उसकी बाइक के आगे वाले टायर का मडगार्ड था वो घिस गया स्कूटी की बॉडी पे। तो वैसे तो नीचे की साइड घिसी है, ऐसे नहीं दिख रहा, पर नीचे झुक के देखोगे तो दिख जाएगा। तो वहां से कलर उतर गया, व्हाइट व्हाइट हो गई है। और GoPro की मेमोरी भर गई थी, तो अभी रुक के मेमोरी खाली करी इसकी, तो बस ये एक वीडियो की क्लिप्स ही रख सकता है, क्योंकि मैंने अभी इसमें 32 GB का मेमोरी कार्ड डाल रखा है, इसलिए एक ही वीडियो की क्लिप्स रख पाता है बेचारा। तो कोई नहीं, इसको भी अपग्रेड कर देंगे, इसका मेमोरी कार्ड 128 GB का लगाएंगे इसमें, पर अभी कुछ टाइम बाद। और स्कूटी में पेट्रोल भी कम है, तो पेट्रोल भी डलवाना है। काम बहुत ज्यादा है और टाइम कम है। ओ भाई, इस वाले पेट्रोल पंप में तो वो है नहीं पोल्यूशन करने वाला, आगे वाले पेट्रोल पंप में है, तो उसी से करवा लेंगे फटाफट। और पता नहीं कितने महीने का करेगा ये, पिछली बार तो 1 साल का हुआ था, उससे पहले भी 1 साल का ही हुआ था। ओ भाई, दोबारा ऊपर खापट रास्ता आ गया। और आज GoPro में बैटरी भी कम है, 60% बैटरी है, तो ये पूरी वीडियो मेरे को 60% बैटरी में शूट करनी है। तो बस आ गया है पेट्रोल पंप, इस रेड लाइट के आगे ही है, ये चली गई रेड लाइट और अब आएगा पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का। चलो 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 चलो, स्कूटी में रिजर्व भी लग चुका है, घर पे ही लग गया था वैसे तो, पर रिजर्व पे अपनी स्कूटी 30 किलोमीटर के आसपास चल जाती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो तब से मुझे पता चला है कि स्कूटी रिजर्व पे 30 किलोमीटर के आसपास चल जाती है, और वो भी मैंने प्यार से नहीं चलाया था, अगर मैं प्यार से चलाता तो 30 से ज्यादा चल जाती, 40 तक भी चल जाती। तो एक बार पोल्यूशन का पता कर लेते हैं, यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हो रखी है, बहुत बड़ी गाड़ी, टाटा सफारी स्टॉर्म। ओ भाई, अभी तो मैं फंस गया था, तो पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ, उसके बाद आपको सारी कहानी बताऊंगा। 200 का डाल दो भैया, स्पीड ठीक है, 200 पोल्यूशन कराने गए थे। हाँ हो गया, तो इसी महीने से अब चालान कटेगा ना। अच्छा, 25 तारीख से जिसका पोल्यूशन नहीं है, तो वो भैया बता रहे थे 25 तारीख से चालान कटेगा जिसका पोल्यूशन नहीं है। चलो भाई ग्लव्स पहन लेते हैं, आज तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया मैं, वैसे बहुत बड़ी तो नहीं थी पर बड़ी थी भी। तो अब बताता हूँ आपको, तो अभी मैं पोल्यूशन करा रहा था, तो पोल्यूशन कंप्लीट हो गया था, और फिर पोल्यूशन वाले भैया ने कहा आपके पास 20 रुपए खुले हैं, तो मैंने कहा हाँ है, डिक्की में रखे थे खुले पैसे, और फिर खुले पैसे जैसे ही मैंने निकाले और मैंने वहां पे चाबी डाल दी स्कूटी की डिक्की में, फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं, मैंने 2-3 बाइकों की चाबी भी लगा के देखी पर नहीं खुली डिक्की। फिर मैंने पापा को फोन किया, तो पापा ने बताया वहां पे एक अंकल बैठते हैं व्हील अलाइनमेंट वाले, मतलब वहां पे कोने में एक व्हील अलाइनमेंट की वो है दुकान सी, तो वहां पे एक अंकल बैठते हैं, उन्होंने कहा कि उसके पास चले जा, पापा ने कहा, तो अंकल ने बिना लॉक तोड़े निकाल दी अंदर से चाबी, तो तब जाके जान में जान आई। तो वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत थी नहीं, वहां पे स्कूटी खड़ी कर देता फिर घर जाके चाबी ले आता मेट्रो से, पर वही एक फालतू का काम बढ़ जाता, घर जाओ फिर चाबी लेके आओ। तो लगता है मेरी स्कूटी को किसी की नजर लग गई है, आजकल इसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कभी कोई पीछे से ठोक दे रहा है, कभी चाबी अंदर रह जा रही है, और अंकल ने बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से निकाल ली अंदर से चाबी बिना लॉक तोड़े, तो वो ट्रिक मेरे को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, वैसे काम भी आ सकती है। और आज मुझे एक और चीज पता चल गई कि स्कूटी की डिक्की में कुछ भी चीज सेफ नहीं है, मतलब किसी को आता होगा ना तो बहुत आराम से स्कूटी की डिक्की से कुछ भी निकाल सकता है, तो इसलिए कभी भी स्कूटी की डिक्की में कोई महंगी चीज ना रखें, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, 1-2 घंटे बाद। तो अब अंधेरा हो चुका है और अंधेरे के साथ साथ जाम भी लगना शुरू हो चुका है, तो अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कैसे अंकल ने निकाली चाबी मेरी डिक्की में से, तो हो सकता है आप में से किसी के काम आ जाए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और हो रखा होगा आप में से कुछ कुछ लोगों के साथ। वैसे स्कूटी की डिक्की आप ऐसे नहीं खोल सकते हाथों से, उसके लिए आपको थोड़े टूल्स चाहिए होंगे और वो टूल्स आप शायद कैरी नहीं कर सकते। तो अगर आपको आसपास कोई ऐसी दुकान दिखे जिसमें पाइप्स वगैरह हो, या हार्डवेयर की दुकान, व्हील बैलेंसिंग की दुकान, टायर की दुकान, मतलब कुछ भी मैकेनिक से रिलेटेड, मतलब ऐसी किसी भी चीज की दुकान दिखे, या फिर जहाँ पे लोहे वेल्डिंग होते हैं, तो वहां से आपको एक डंडा लेना है सीधा, तो बस वैसे तो एक डंडा ही चाहिए जो आगे से थोड़ा पहना हो,
ये नहीं कोई मोटा सा डंडा ले लो, तो मोटा सा डंडा तो अंदर घुसेगा नहीं। और पहले मैं फटाफट इस जाम से बाहर निकलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी लाइट भी है। तो अंकल ने क्या किया था, यहाँ पे वो डंडा फंसाया, यहाँ पे ऐसे यहाँ से अंदर घुसाया डंडा और अंदर अटकाया और डंडा एकदम सीधा कर दिया। तो ये जो डिक्की है ना, ये ऐसे हो गई थी, मतलब उठ गई थी बहुत ज्यादा, इतनी उठ गई थी कि हाथ अंदर घुस सके। फिर अंकल ने यहाँ से फटाफट अंदर हाथ डाला, अंदर चाबी ढूंढी और चाबी बाहर निकाल दी। तो इस तरह से चाबी निकाली अंकल ने, ओ भाई, तो इस तरह से मेरी चाबी बाहर निकल गई और मैं वहां से जा पाया, वरना मैं अभी तक वहीं फंसा रहता। क्योंकि घर आने जाने में मेरे को 2 घंटे तो लगते ही, 1 घंटा घर जाने में, फिर 1 घंटा घर से वापस आने में, तो बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो जाती। और ऊपर से इसमें एक फायदा ये है कि लॉक भी नहीं टूटा, क्योंकि अगर लॉक तोड़ के निकालते तो फिर लॉक का खर्चा अलग से आ जाता। तो इसमें लॉक भी अपना सेफ है और डिक्की भी एकदम सही है। वो डिक्की कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी, पर अब ठीक हो चुकी है, एकदम नॉर्मल हो गई है अब तो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि डिक्की से कैसे सामान निकालते हैं अगर आपकी चाबी अंदर फंस जाए या चाबी कहीं खो जाए। वैसे चाबी कहीं और खोएगी तब तो कोई फायदा ही नहीं है खोलने का, पर वही है, कभी कभी चाबी अंदर चली जाए आपकी तब आप निकाल सकते हो। और जो एक्सीडेंट से स्कूटी के पीछे स्क्रैच पड़े थे वो आपको दिख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे, तो वहां से स्कूटी सफेद सफेद हो गई, अब वहां पे फिल्म चढ़वानी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पूरी स्कूटी में ही फिल्म चढ़ जाएगी। अभी मेरे इस साइड पूरे फिल्म चढ़ रखी है क्योंकि ये पूरी इस तरफ से घिस रखी है, तो राइट साइड से पूरा इसका ये वाला वाइजर और जो नीचे वाली फेयरिंग और ये साइड के सारे पैनल सारे वो रखे हैं रैप। वैसे देखने में इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो कुछ सालों बाद इसकी पूरी बॉडी चेंज करवा देंगे, जब बहुत ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह हो जाएंगे ना तो पूरी बॉडी चेंज करवा दूंगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था इसके पीछे मैं सोच रहा हूँ वो लगा दूं स्टॉपर्स, वो रेड कलर की लाइट होती है, ब्रेक मारने पे जब 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 करती है, गोल गोल सी होती है, 2 लगते हैं वो पीछे। तो उससे ये हो जाएगा जब मैं ब्रेक मारूंगा तो पीछे पता चल जाएगा लोगों को। वैसे लाइट तो अभी भी है पीछे, पर वो तो 24 घंटे जली रहती है, बस जब ब्रेक मारते हैं तब थोड़ी ज्यादा जलती है और ब्रेक नहीं मारते तो थोड़ी कम जलती है। और ऊपर से उसको भी मैंने स्मोक करा रखा है क्योंकि मेरी जो पीछे की लाइट है वो टूट रखी है। तो या तो मेरे पे 2 ही ऑप्शन थे, या तो लाइट चेंज करवाऊं या उसको भी रैप कर दूं ताकि अंदर पानी ना घुसे, नहीं तो अंदर पानी घुस जाएगा और लाइट खराब हो जाएगी। तो वैसे देखने में तो बढ़िया लगती है, पर वही है, दिन के टाइम उसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। रात के टाइम तो फिर भी चल जाता है काम, पर दिन के टाइम शायद थोड़ी कम हो जाती होगी, तो इसलिए अलग से स्टॉपर भी लगवा दूंगा। और बाकी पॉल्यूशन हो गया है अपना, 70 रुपए का हुआ है पॉल्यूशन 1 साल का। पर जो पॉल्यूशन वाले भैया थे वो बोल रहे थे आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है, तो एक बार चेक करवा लेना अपने मैकेनिक से। तो अब ये एक नया झंझट है, पर चलो कोई नहीं, पोल्यूशन तो हो गया है, मतलब पास तो हो गई है गाड़ी, पर जो लिमिट होती है पास करने की, जैसे एग्जाम में पास करने के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं ना, तो मेरे पासिंग मार्क्स के आसपास ही नंबर आए हैं गाड़ी के, तो जिसकी वजह से भैया ने कहा कि अपने मैकेनिक को दिखवा देना, नहीं तो अगली सर्विस पे दिखा देंगे, मतलब जब भी टाइम लगेगा तब दिखा देंगे, पर अभी के लिए तो अपना काम हो चुका है। और ये पार्किंग देखो क्या बढ़िया लग रही है। और पेट्रोल पंप वाले भैया बोल रहे थे कि 25 तारीख से चालान कटना शुरू होंगे पोल्यूशन के, जिनके पास पोल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ देखो धूल कितनी ज्यादा उड़ रही है। तो अब हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं फटाफट से। और लड़ियाँ देखो क्या बढ़िया लग रही है, सामने बिल्डिंग्स में भी लड़ियाँ लग रखी है, वो तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी लड़ियाँ लग रखी है। और अभी मेरी वीडियो भी लाइव होने वाली है और उसका मैंने थंबनेल नहीं बनाया अभी तक, तो उसका थंबनेल भी बनाना है अभी। यहीं पे साइड में स्कूटी रोक के थंबनेल बना लेता हूँ पहले। तो यूट्यूब पे भी बहुत ही ज्यादा मेहनत है यार, देख रहे हो कहाँ कहाँ रुक के क्या क्या काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ रोड के साइड में रुक के थंबनेल बनाना पड़ रहा है, तो आपसे मिलता हूँ थंबनेल बनाने के बाद। तो थंबनेल वगैरह डाल दिया है मैंने और वीडियो भी लाइव हो चुकी है, वो वाली वीडियो डाली है सर्विस वाली। और अब मैं जा रहा हूँ घर, और इस टाइम बहुत ज्यादा जाम मिलने वाला है, तो आज मैं कोई नए रास्ते से जा रहा हूँ, जिस रास्ते से मैं पहले कभी नहीं गया इस टाइम। वैसे तो जा रखा हूँ दिन में, पर इस टाइम कभी नहीं गया, तो मेरे ख्याल से खाली होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब इसमें लाइट का झंझट अलग है, तो अगर रेड लाइट पे स्कूटी बंद करनी है तो लाइट भी बंद करनी पड़ेगी, वरना बैटरी खत्म हो जाएगी। अब जैसे मैंने स्टार्ट की तो अब मुझे लाइट भी स्टार्ट करनी पड़ेगी अलग से, और फिर चलना पड़ेगा क्योंकि जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट बैटरी से है, और अगर बिना स्कूटी स्टार्ट किए मैं ऑन रखूंगा तो बैटरी खत्म हो जाएगी। इंजन ऑन में ये होता है ना, चार्ज होती रहती है साथ साथ और बैटरी कम भी होती रहती है, तो बैलेंस बन जाता है। अब जैसे दोबारा रेड लाइट आ गई है, तो अगर मैं अब इंजन बंद करूंगा तो मेरे को लाइट भी बंद करनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे नहीं करेंगे स्कूटी बंद, क्योंकि कम सेकंड की है, और अगर कम सेकंड की रेड लाइट में हम स्कूटी बंद करते हैं तो उसमें पेट्रोल बचने की जगह ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि इंजन स्टार्ट करने में ज्यादा पेट्रोल चाहिए होता है गाड़ी को, किसी भी गाड़ी को, बैटरी वाली को छोड़ के। तो इसलिए अगर कम सेकंड की रेड लाइट है तो इंजन ऑन ही रहने दो, लेकिन हाँ अगर ज्यादा सेकंड की रेड लाइट है, 30 सेकंड से ज्यादा की, तब आप इंजन बंद कर सकते हो, तब आपका पेट्रोल बच जाएगा थोड़ा बहुत। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।